संजय सेना जी बताइए, क्या उनकी जो पूजा की जा रही है वो शास्त्र सम्मत है, क्या वो सनातन सम्मत है? ये सवाल उठाया महंत जी ने, जवाब दीजिए। बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। और मैं आपको बताऊं कि शिव मानस कहता है कि आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थित। तो जो हमारे अंदर आत्मा है यही शिव है। ये क्या लोगों को ज्ञान देते हैं, ये लोगों को अंधकार में रखते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। यहां तो लोग निरी पढ़े लिखे लोग नहीं, लोगों को रोजगार का अभाव, लोगों को इतनी शिक्षा नहीं, जनता को इतनी शिक्षा नहीं। क्या आपने देखा है कि कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता हो ऐसे लोगों के सामने? संजय जी, ये तो समाज को बदलाने का दिल्ली वाले साईं बाबा के ट्रस्ट से निकलकर मुझे लग रहा है बेरोजगारी महंगाई की तरफ जा रहे हैं। चुनाव ना तो नहीं लड़ रहा है क्या? मैं बेरोजगारी आप ही बोल रहे बेरोजगारी। अब साईं बाबा का बेरोजगारी से क्या लेना देना भाई? साईं बाबा तो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। मैं साईं तो रोजगार चल रहा है, निश्चित तौर पे करोड़ों लोगों की बातों को सुनते हैं। ऐसा नहीं, इन्होंने कहा फातिहा पढ़ी जाती है, बिल्कुल फातिहा नहीं पढ़ी जाती है। और मैं एक बात और बताता हूँ, हमारे देश को जल्दी ही धर्म की जरूरत नहीं, अध्यात्म की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मुल्क होना चाहिए कि जो अध्यात्म में विश्वास करे। अरे अध्यात्म कहाँ से निकलता है मेरे भाई संजय? संजय सैनाथ बताइए ना, ये अध्यात्म कहाँ से निकलता है? धर्म कोई फैक्ट्री है जिसमें अध्यात्म पैदा होता है? मैं हिंदू हूँ, हमारी परंपरा हिंदू है। हाँ। कोई मुसलमान अगर साईं बाबा के मंदिर में जाएगा वो अपने तरीके से दुआ करेगा, कोई सिख जाएगा। अरे नहीं छोड़िए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करें। मैं तो सवाल उठा ही नहीं रहा, मैंने बाबा बागेश्वर पे भी सवाल उठाया, मैंने आप लोगों पर भी सवाल उठाया। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये अध्यात्म, आपने कहा कि धर्म की जरूरत नहीं आध्यात्मिक पड़ेगी, ये आध्यात्मिक कोई फैक्ट्री लगेगी क्या? ये आप लगवाने वाले हैं? देखिए व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे धार्मिक हो, लेकिन एक देश को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। उसको मेरे भाई तो अध्यात्म आता कहां से? कोई फैक्ट्री से निकलता है अध्यात्म? आप क्या सीरिया बताइए ना, आप क्या अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? दुनिया की आबादी में 23-25% मुसलमानों का हिस्सा है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्यों दंगा क्यों नहीं, भाई भाई मिलकर रह सकते हैं? किसने कहा नहीं मिलकर रह रहे मेरे भाई? अगर साई आपको साई आप किसने हमने कहा आपत्ति की है? आप साई बाबा को कौन मुसलमान मानता है? साई बाबा को मुसलमान, साई बाबा को कोई मुसलमान नहीं मानता, कोई मुसलमान नहीं मानता। लेकिन हमारी अपनी, हम अपनी हिंदू पद्धति से उनकी पूजा करते हैं, करते रहेंगे। उन्होंने खुद कहा ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। धर्म नहीं अध्यात्म की तरफ बनना पड़ेगा, तो संजय सैनाथ कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं अध्यात्म निकालने की, बता दीजिए ना संजय जी। मैंने वो आप लगाइए, वो ना मेरा वो काम ही नहीं है, मेरा काम सवाल पूछना है और मैं अच्छे से कर लेता हूँ। आप सुनिए, देश के चिरकुटो बाबा को लाइए, इनको इंटरव्यू कीजिए। ना माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा संजय सैनाथ जी, भाषा भाषा माफ कीजिएगा। इस देश को आध्यात्मिक की जरूरत है, भाषा की मर्यादा रखे। यहाँ किसको चिरकुट बोल रहे हैं आप? किसको चिरकुट बोल रहे हैं आप? किसे चिरकुट बोल रहे हैं? नहीं, किसने गाली दी है? दूसरों को मर्यादा सिखा रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं। आप लोग क्या करते हैं मुझे बताइए? अध्यात्म के का आप लोग क्या करते हैं? दीपक जी यही अध्यात्म के का, यही अध्यात्म का कि अंधविश्वास फैलाते हैं ऐसे बाबा लोग। आप क्या करते हैं? कौन सी समस्या की समाधान हो रही है आपके पर्ची से? आपकी पर्ची से कौन सी समस्या की समाधान? कौन से देश की समस्या? कौन से देश की समस्या समझा रहे हैं? बाबा के यहाँ पर आकर कौन से समाधान हो रहा है? बताइए, पर्ची निकाल के कौन से देश, कौन से देश की समस्या का समाधान कर रहे हैं? पर्ची निकाल के आप भीड़ लगा के कौन सी समस्या का समाधान कर रहे हैं? साईं बाबा ने तो सत्य, साईं बाबा ने तो, साईं बाबा ने तो सत्य प्रेम करुणा की, साईं बाबा ने सत्य प्रेम करुणा की परिभाषा सिखाई है। आप लोग पर्ची निकाल के भीड़ लगा के कौन से देश की समस्या का समाधान कर रहे हैं? आपको नहीं बोल रहे, वो प्रेम और करुणा की भाषा आपके संतों को पीछे आपने साईनाथ अच्छा एक मिनट साजी जी एक मिनट, संजय सैनाथ जी जिस शब्द का इस्तेमाल किया वापस लीजिए आप प्लीज। चिरकुट किसे बोलते हैं आप? देखिए सुनिए दीपक जी, मैं देखिए साईं बाबा के बारे में जो अनाप शनाप कहेगा वो ऐसा ही सुनेगा।
हम ना, ना, अभी किसी ने यहाँ पे किसी को कुछ कहा नहीं, इस पैनल पे किसी ने कुछ कहा यहाँ पर, आप महापुरुष नहीं हैं, पैनल को पीछे को कहा, आपने पैनल को कहा संजय सेना जी, आप जी बोल रहे थे तब भी आपने बोला, आपने बोला महंत जी जब बात कर रहे थे तब भी आपने अभद्रता की, आपने ये कहा कि अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे बाबा लोग क्यों क्यों बुलाया जाता है, आप जैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है आप जैसे लोगों को पैनल पर आकर बैठने का, जो दूसरों की कौन सी समस्या का समाधान कर रहे हैं, जैसे लोग अंधविश्वास साईं बाबा के नाम पर आप लोग अंधविश्वास चला रहे हैं, साईं बाबा के नाम पर आप लोग अंधविश्वास चला रहे हैं, मैं आपत्ति करता हूँ उस पर, मैं आपत्ति करता हूँ, और आप प्लीज आगे से आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप दो महंत, एक महामंडलेश्वर है, साध्वी शिवानी दुर्गा जी पढ़ी लिखी है, पीएचडी किया हुआ है, संजय सेना जी मैं सबको जानता हूँ, अब मेरा मुंह ना खुलवाइए आप संजय सेना जी, इसलिए बेहतर है कि आप बोलिए कि आपने गलती से वो शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, बोल दीजिए आप ही बड़े बनेंगे, मैं नहीं। देखिए दीपक जी, सुनिए दीपक जी, मैं आपको बताता हूं, कोई भी साधु देश का, कोई भी संत अपने आचरण में रहे, किसी महापुरुष को किसी सिद्ध, अरे संजय सेना आचरण सिखाएगा क्या, श्रद्धा है मानते हैं, इस तरीके के शब्द ना बोले आप, आचरण इस तरीके, आप भी आचरण, इस तरह के कोई शब्द ना बोले, बताइए ना, प्रतिकार करना हमें भी आता है, हमें भी प्रतिकार करना आता है, हम भी प्रतिकार कर सकते हैं, क्या मतलब है जी आपका साईं बाबा से, क्या मतलब है आप साईं बाबा को नहीं मानते हैं, क्या मतलब है आप साईं बाबा के बारे में उल्टा बोलने का, क्या मतलब है साईं बाबा के बारे में उल्टा बोलने का, आप क्यों साईं बाबा को बार बार, आप क्यों साईं बाबा को नहीं देते, मैं इस स्टेटमेंट का समर्थन संजय साईनाथ नहीं करता, कोई शब्द गलत नहीं बोला, किशोर तिवारी जी को जोड़ा जाता है किशोर जी, और उसके बाद साध्वी तिवारी जी, संजय जी कुछ भी बोलता है, संजय जी एक मिनट मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं, जैसे संजय जी ने कहा कि जो कुछ कहा है दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उनको भी आस्था रखने वाले लोग हैं, तो बाबा की भी बहुत प्रसिद्धि हो गई है, आगे चल के बाबा भी बहुत ऊपर जाने वाले हैं, तो उनको भी मानने वाला वर्ग है, अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मुझे बताइए महामंडलेश्वर और साधी शिवानी दुर्गा, मैं बता रहा हूं माँ शिवानी दुर्गा, आप बताइए गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं होता, ये भगवान नहीं है, मुसलमान वहां पूजा करते तो हिंदू ने जाना नहीं चाहिए, ये सब टाला जा सकता ना, ये सब तुम भी बोलो, ये विवाद उपस्थित करने वाली बातें हैं, लोगों की भावनाएं आहत करने वाली बातें हैं, इसको टाला जा सकता, ठीक है, मैं साध्वी शिवानी दुर्गा जी से इसका जवाब ले लेता हूँ, साध्वी जी बताइए, संजय सेना जी विचार कर लीजिए, बड़प्पन इसी में होगा कि आप कहें मैंने किसी के लिए पैनल में या किसी और किसी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, साध्वी शिवानी दुर्गा जी, हर हर महादेव, मुझे बिना भगवान का नाम बोले मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज बोलना पड़ा क्योंकि उन्होंने सभी के लिए चिरकुट बोल दिया, शब्द सही नहीं है, संजय साईनाथ जी आप बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत बड़े भक्त भी, माफ कीजिएगा शिवानी जी, मैंने सभी के लिए नहीं बोला, मैंने सभी के लिए नहीं आपने बोला, पैनल के लिए कहा, के लिए बोला आपने, पैनल के लिए कहा संजय साईनाथ जी, मैं निकाल कर आपका स्टेटमेंट सुना सकता हूँ, अब आप बहस मत करिए।